बच्चों का दुश्मन ग्रेविटी इज बैक, लेकिन इस बार ये काफी ज्यादा पावर के साथ है। ऑब्वियसली न्यूटन के सेब से हर किसी की दुश्मनी है। गिर गया सेब, इतना कैसे, क्यों गिर गया सेब, गिर गया सेब, आगे बढ़। लेकिन ग्रेविटी एज अ फोर्स के बजाय ग्रेविटी एज अ डायमेंशन सोचे तो कैसा रहेगा? बस इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, बस थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे मूंग वड़ा, आलू वड़ा, दही वड़ा। और आप लोगों को पता लगेगा ग्रेविटेशनल वेव एग्जिस्ट करती है, एक ऐसी अनडिटेक्टेबल वेव जो कि इनविजिबल तो है ही, साथ ही साथ अगर ये आपकी बॉडी के थ्रू चले गई तो 10 मीटर दूर खड़ी आंटी आप लोगों को 100 मीटर दूर भी दिख सकती है और 10 सेंटीमीटर दूर भी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में और साथ ही साथ ग्रेविटी एज अ डायमेंशन के बारे में। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना, अगली वीडियो भी तो आनी है। वेल दोस्तों ग्रेविटेशनल वेव्स की शुरुआत होती है 1893 में, जब ओलिवर हेविसाइड ने पहली बार इसको प्रपोज किया। और इसके बारे में केवल इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अपनी वेव प्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही ग्रेविटी भी अपनी वेव प्रोड्यूस करती होगी। इसके बाद इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं हुआ, लेकिन 1916 में वापस अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसका जिक्र किया अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर। लेकिन कुछ टाइम बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने नकार दिया, उन्होंने कहा कि ग्रेविटेशनल वेव एग्जिस्ट नहीं करती है। आरामी मानुस दो दिल में पलट गया। वेल दोस्तों ये समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअली में ग्रेविटेशनल वेव होती क्या है। वेल ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी जो कि वेव के फॉर्म में आगे प्रोपोगेट करती है और साथ ही साथ अपने साथ ग्रेविटेशनल रेडिएशन कैरी करती है, उसे ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं। ये लाइट की स्पीड से चलती है और जैसे जैसे आगे बढ़ती है इसकी इंटेंसिटी कम होती है। वैसे इसे अर्थ भी प्रोड्यूस करती है लेकिन काफी कम इंटेंसिटी की। पर इसके एग्जिस्टेंस के बारे में जवाब मिला 1974 में इनडायरेक्ट, जब ह्यूल्स टेलर के बाइनरी पल्सर के अंदर ऑर्बिटल डिके तो नॉर्मल था लेकिन इसमें एनर्जी कुछ लूज हुई। और दोस्तों ये एनर्जी उतनी ही निकली जितनी प्रिडिक्ट की गई थी जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी के हिसाब से, जो कि ग्रेविटेशनल रेडिएशन के फॉर्म में निकल जाएगी। लेकिन इससे भी एविडेंस नहीं मिलता है कि एक्चुअली में वो एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। तो फाइनली इसका जवाब मिला 2015 में, जब लीगो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर की मदद से हमने डिटेक्ट किया ग्रेविटेशनल वेव को। ये अभी तक की हिस्ट्री में पहली बार डिटेक्ट किया गया और इकलौता डिटेक्शन है ग्रेविटेशनल वेव्स का। आई नो आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, जब अर्थ भी ग्रेविटेशनल वेव प्रोड्यूस करती है तो इसको मेजर करना इतना मुश्किल क्यों है? एक्चुअली में जब दो ब्लैक होल आपस में क्रैश होते हैं तब इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल वेव बनती है कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं। 2015 में जिसको हमने रिकॉर्ड किया वो कोलिजन एक्चुअली में 1.4 बिलियन साल पहले हो चुका था। लेकिन ये भी जानने की कोशिश करते हैं लीगो की मदद से एक्चुअली डिटेक्ट कैसे करते हैं। वेल जब ग्रेविटेशनल वेव अर्थ के थ्रू पास हुई तो वो आसपास के स्पेस को स्क्वीज और स्ट्रेच कर देती है। और लीगो केवल इसीलिए डिजाइन किया गया था ताकि वो स्ट्रेच और इस स्क्वीजिंग को डिटेक्ट कर पाए। दोस्तों जो ये लीगो मशीन थी इसके दो आर्म थे, दोनों के दोनों लगभग 4 किलोमीटर लंबे और इसके बीच में लेजर लाइट डिटेक्टर वगैरह चीजें थी। जब ग्रेविटेशनल वेव इसके थ्रू पास हुई उस समय इसके आर्म की लेंथ थोड़ी छोटी हो गई, जिसको डिटेक्ट किया इस मशीन, जिसके बाद डिस्कवरी हुई ग्रेविटेशनल वेव्स की और हमें पता लगा आइंस्टीन उस समय अपने टाइम पे बिल्कुल सही थे। वेल दोस्तों इससे हमें एक बात तो पता लगती है कि ग्रेविटेशनल वेव ऐसे ही प्रोड्यूस नहीं होती है, इसको प्रोड्यूस करना काफी मुश्किल है, लेकिन इससे हम एक नए डायमेंशन में जा सकते हैं। और दोस्तों जब ये ग्रेविटेशनल वेव हमारे थ्रू पास होती है हमारे लिए केवल डिस्टेंस नहीं बल्कि टाइम भी चेंज होता है। वैसे टाइम ट्रेवल तो इससे पॉसिबल है लेकिन दो ग्रेविटी वेव आपस में टकराती है तो एक दूसरे को स्कैटर भी करती है। वैसे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल तो रखिएगा ही, साथ ही साथ मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो एंड हैव अ नाइस डे।